हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे पास एक सैमसंग का फोन है 30S, जो कि केवल चार्जिंग शो कर रहा है। जैसा कि मैं आपको दो तीन तरीके से दिखा देता हूं, अभी फिर से ऑन पावर बटन दबा करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओनली चार्जिंग शो कर रहा है। देखिए, पावर की जैसे हम प्रेस कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे केवल ओनली चार्जिंग शो हो रहा है। तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सोल्यूशन का पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखिएगा तो मैं आई होप बोलता हूँ कि आप 110% इसकी सोल्यूशन और आप कर पाएंगे गाइस। तो मैं फिर से एक बार चेक करा देता हूँ, इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं केबल और केबल चार्जिंग आइकन आ रहा है। तो गाइस, इसको चलो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, वीडियो में बने रहें। तो गाइज, इसका हम सोल्यूशन आपके सामने कर रहे हैं लाइव। तो हम इसको करने वाले हैं, इसका डुअल टेकर रिवॉल्व करने वाले हैं गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो जनरली प्रॉब्लम होता है, यही से होता है गाइज, इसमें कोई चार्जिंग सेक्शन से फॉल्ट नहीं होता है। आप एक बार चार्जिंग सेक्शन को देख सकते हैं, अपने नीचे वाले सब पीसीबी को देख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम कर रहे हैं डुअल टेकर गाइज। तो डुअल टेकर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ग्लू कट चल रहा था। ग्लू कट के बाद अब हम रैम को निकालेंगे। रैम निकालने के बाद हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा गाइज, नहीं तो आप अगर करने जाएंगे तो हो सकता है आपसे ना। तो चलिए, यहाँ फटाफट आपको दिखा रहे हैं। पर रैम को निकाला जा रहा है, रैम को यहाँ देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से रैम निकल चुका है। अब जैसे रैम निकल गया गाइस, उसके बाद हम सीपीयू को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सीपीयू भी निकाल रहे हैं गाइस। तो ये सब जो वीडियोस हैं गाइस, तो आई होप भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो अभी देखिए, यहाँ पे सीपीयू को हम निकाल रहे हैं। सीपीयू निकालने के बाद यहाँ पे हम उसको करेंगे क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग के प्रोसेस के बाद रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग के बाद फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। थोड़ा सा वेट और पेशेंस के साथ काम करना है आपको। तो अभी यहाँ पे हीट होने का थोड़ा सा उसको मूव करते रहेंगे, अपने असेंबली को हमेशा मूव करते रहेंगे गाइस। तो यहाँ पे अब हम उसको सीपीयू को निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीपीयू आपके सामने लाइव ही कर रहे। ये देखिए, सीपीयू भी निकल चुका है गाइस। कोई भी पैड जो एनसी होता है, एनसी आपका भी निकलेगा, एनसी यहाँ भी निकल सकता है गाइस। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइज, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस। जो यहाँ पे ग्लू होता है, ग्लू को हम करेंगे क्लीन। तो ऐसे आपको पीसीबी में भी क्लीन कर लेना है और आपको आईसी पे भी क्लीन कर लेना है। आईसी में ध्यान देना है गाइज कि सीपीयू के दोनों तरफ आपको रिवॉल्व करना है और यहाँ पे रैम में भी रिवॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पे रैम और सीपीयू होता है बेसिकली। तो अभी हम यहाँ पे पीसीबी को क्लीन करने का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको भी फॉलो करना है, और आप अगर इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको 110% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा गाइज। तो चलिए, उसके बाद ये क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद गाइज, जैसे ही हमारा पीसीबी क्लीन हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे आईसी को क्लीन। तो अभी हमारा चल रहा है क्लीनिंग प्रोसेस। अब उसके बाद हम आएंगे आईसी के ऊपर, और आईसी के ऊपर क्लीन करेंगे, जहाँ की सारा कुछ एकदम पेशेंस के साथ आपको काम करना है गाइज। तो आई वीडियो अच्छा लगेगा। अभी भी एक फाइनल टच है, जो भी ग्लू होगा साइड में वो ग्लू रिमूव हो जाएगा। अगर क्योंकि वो दिखता नहीं है, व्हाइट ग्लू होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको नहीं दिखेगा। तो एक बार आपको यहाँ पे ग्लू को निकाल लेना। अब देखिए, यहाँ पे आईसी क्लीनिंग चल रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीपीयू वाला हिस्सा जो होता है, जहाँ पे बीजे होता है, वहां पे आपको क्लीन करना है। तो ये देखिए, व्हाइट पेस्टेड आपको दिखाई दे रहा होगा गाइज। सबसे पहले आपको ये क्लीन करना है, उसके बाद फिर इसके अपर ऊपर भी क्लीन करना है, दोनों साइड क्लीन करना है, क्योंकि क्लीन करने के बाद ही दोनों साइड हमारा रिवॉल्व होगा गाइज। तो देखिए, अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा जो रैम जहाँ पे फिक्स होता है, वहां पे वो भी क्लीन करना, यही वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, कि इसको कैसे क्लीन किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपको रैम जहाँ पे फिक्स होता है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना। अगर अच्छे तरीके से आप रैम को क्लीन नहीं करेंगे तो आपका रैम अच्छे से फिक्स नहीं होगा गाइस। तो ये जो प्रोसीजर है, आप 2 से 3 बार करें। उसके बाद ये नहीं कि हमने एक बार दिखाया हुआ है, आपका एक बार में हो जाएगा, हो सकता है एक बार में भी हो जाए। उसके बाद जब हो जाने के बाद रैम के हिस्से को आपको रिवॉल्व कर लेना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर एक बॉल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स चमकते हुए से मतलब नहीं है गाइज, आपको हर एक बॉल जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको अच्छे से पूरे बॉल बने हुए चाहिए, तभी आपका रैम फिक्स होगा। अब उसके बाद जैसे आप ऊपर की कर देते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीपीयू में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं गाइस। सीपीयू रिवॉल्व हो जाने के बाद दोनों ही, फिर उसके बाद जब सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा, फिर रैम की क्लीनिंग और रिवॉल्विंग होगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सीपीयू हमारा ये रिवॉल्व हो रहा है बेसिकली। तो आप भी इस वीडियो को देख करके काफी हेल्प हो सकती है, अगर हेल्प हो रही है गाइस तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। तो
तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हमारे रिवॉल्व हो जाएगा, अब हम उसके बाद रैम पे काम करेंगे, रैम को क्लीन करेंगे, रैम को क्लीन करने के बाद उसको रिवॉल्व करेंगे। जैसे ही दोनों रिवॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको फिक्स करने वाले हैं बोर्ड में गाइस। तो चलिए फटाफट दिखा देते हैं आपको। अभी हमारे थोड़ा सा ठंडा होने दें इसको। ठंडा होने के बाद हम उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, रैम क्लीनिंग चल रहा है। रैम क्लीनिंग के बाद इसको रिवॉल्व कर लेंगे। दोनों को रिवॉल्व करने के बाद गाइस हम आपको यहाँ पे अभी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा सीपीयू, सीपीयू के ऊपर और रैम, हमारा तीनों ही चीज रिवॉल्व हो चुका है। अब हम इसको करेंगे फिक्स, और फिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है गाइस। तो ये बहुत अच्छी तरीके से रिवॉल्व होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे बॉल छूटे तो आप दोबारा उसको रिवॉल्व कर लें। तो चलिए फटाफट हम इसको करते हैं फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हल्का सा हम फ्लक्स का यूज कर रहे हैं। फ्लक्स का यूज करने के बाद पहले सीपीयू, फिर सीपीयू के बाद हमें रैम को फिक्स करना है। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे सीपीयू को फिक्स कर रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टेकर सीपीयू आपके सामने लाइव, एक ये भी देख सकते हैं कि कैसे डुअल टेकर पे हम वर्क करें। और दूसरी चीज यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो गाइस कि जो इसका प्रॉब्लम है, ज्यादातर मार्केट में यही प्रॉब्लम आता है। और चलिए अभी फटाफट यहाँ पे बने रहे, और आपको दिखाई देगा अभी हल्का सा एक फाइनल टच देना है। उस फाइनल टच देने के बाद फिर हम यहाँ पे रैम को फिक्स करेंगे गाइस। अभी हमारा सीपीयू हो रहा है फिक्स। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस, जिससे और भी टेक्नीशियंस को पता चले कि हम जो वीडियो लेकर के आते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहती है, और काफी सारा हेल्प एक दूसरे के माध्यम से हो जाता है गाइस। तो चलिए यहाँ पे फाइनल टच देंगे। फाइनल टच देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे रैम को फिक्स गाइस। अब रैम फिक्स करेंगे, रैम फिक्स करने का भी सब एक प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर रैम हम फिक्स कर देंगे। सीपीयू ऊपर का हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से रिवॉल्व होना चाहिए, तभी जाके आपका रैम फिक्स अच्छी तरीके से होगा। और रैम फिक्स होने के बाद फिर हम देखते हैं गाइस कि हमारा ये जो काम होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम रैम पे भी हिट कर रहे हैं। हिट करने के बाद अभी हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली तरीके से कंप्लीट हो चुका है गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। और फाइनल में देखते हैं कि हमारा ये जो फोन है वो ऑन होता है कि नहीं होता है गाइस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए देखते हैं आगे। गाइज ये कम्प्लीटली ये फोन ऑन हो चुका है, जैसा कि मैं यहाँ पे चालू करके आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो लोगो पे था जैसा कि आपने देखा था, ये फोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये फोन प्रॉपरली तरीके से जैसा भी था, ये हमने जो प्रोसेस किया यहाँ पे ऑन हो चुका है, जैसा कि हमने आपको लाइव दिखाया यहाँ पे। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। We'll be right back.